हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पोकेमोन फायर रेड के 6th एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग लड़ने वाले हैं वर्डमिलियन सिटी के जिम लीडर लॉर्ड सर्ज के साथ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी काम करना है। सबसे पहले हमें इस घर के अंदर जाना है और अभी हमें इससे जाके बात करना है। मैं हूँ फिशिंग गुरु, मुझे फिशिंग करना बहुत पसंद है। मैं फिशिंग के बिना रह भी नहीं सकता। क्या तुम्हें फिशिंग करना पसंद है? अरे वाह, तुम्हें फिशिंग करना पसंद है, मुझे तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? तो आज ये हमारा दोस्ती का पहला दिन है, तो इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ ऑल रॉड। इस रॉड को रखो और याद रखना कि फिशिंग एक जिंदगी का नजरिया है, इसे कभी मत छोड़ना, समझे? अरे बोल तो दो, समझे कि नहीं? कैसा लड़का है भाई, ऑल रॉड लेके ही भाग गया। सो गाइज, मुझे ओल्ड रॉड मिल गया। अब हमें जाना है इस घर पे, यहाँ पे भी कुछ ज़रूरी काम है, हमें इस अंकल से बात करना है, तो चलो बात करते हैं। मैं पोकेमोन फैन क्लब का चेयरमैन हूँ, मैंने 100 से भी ज़्यादा पोकेमोन को रेस किया है, मुझे पोकेमोन बहुत पसंद है। क्या तुम हमारे यहाँ आए थे पोकेमोन देखने? तो सुनो, मेरा रैपिडेस बहुत ज़्यादा क्यूट है, स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओ बहुत लेट हो गया, तुमने मेरी इतनी सारी बातें सुनी तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। तो गाइज, हमें बाइक बाउचर मिल गया इस अंकल से। ये बाइक बाउचर ले जाओ बाइक शॉप में जो कि सेरोलियन सिटी में है, इसे तुम एक्सचेंज कर सकती हो एक बाइक के साथ। चिंता मत करो, मेरा प्यारा फेयरो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा, तुम बस साइकिल ले लेना उससे। जाओ बच्चे, जी लो अपनी जिंदगी। तो गाइज, इस अंकल ने पका दिया, एकदम बहुत पकाया, लेकिन हमें बाइक बाउचर मिल गया तो अब हम साइकिल ले सकते हैं सेरोलिन सिटी जाके। तो गाइज, मिलते सेरोलिन सिटी में, आपको पता होगा रास्ता, तो वहाँ चल जाना, क्योंकि मैं वीडियो काट रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। सो मिलते हैं। सो गाइज, हम लोग पहुँच गए सेरोलिन सिटी और अब हमें जाना है इस साइकिल की दुकान में, तो चलते हैं। अरे एक बाइक बाउचर तुम्हारे पास कहाँ से आ गया बे? चलो उससे मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक्सचेंज करके बाईसाइकिल दे दूंगा। चलो फिर आना। वैसे तुम्हें अपनी नई साइकिल कैसे लगी? तुम क्यों नहीं इसे चला के चला लेते? जाके चलाओ इसे, मैं कह रहा हूँ चलाओ। तुम इसे रोड में चला सकते हो, गुफा में भी चला सकते हो, तो भागो यहाँ से, भाग। सो गाइज, हमें साइकिल मिल गया, आप देख सकते हो साइकिल। सो गाइज, अब हमें वापस जाना है वर्डमिलियन सिटी, क्योंकि हमें लड़ना है लॉर्ड सर्ज के साथ। हमें अपना तीसरा बैच यानी कि थंडर बैच चाहिए, तो चलते हैं उसके पास। सो गाइज, हम पहुँच गए वर्डमिलियन सिटी, लॉर्ड सर्ज के जिम के पास है हम, तो चलते हैं उसके जिम के अंदर। और आप कट HM यूज़ कर लेना अपने कोई पोकेमोन के अंदर, तभी आप एक्सेस कर पाओगे इसके अंदर। सो ये रहा इसका इंटरफेस, चलो इससे बात करते हैं। ओके, तो इसे हम लाइटनिंग अमेरिकन कहते हैं इस लॉर्ड सर्ज को। इसके पास इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, ये डायरेक्ट पैरालाइज कर देता है अपने ओपोनेंट को। तो हमें इसके लिए एक ट्रिक करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक है वो। गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। तो ये जो देख सकते हो लॉक लगा हुआ है, तो इसके अंदर जाने के लिए, रुको, इसके अंदर जाने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन पहले इस अंकल को हम हटाते हैं। सो गाइज, हमने हटा दिया इस अंकल को, और अब क्या करना है हमें, हमें इस लॉक को खोलने के लिए एक स्विच ढूंढना पड़ेगा जो कि इधर ही कहीं पर छुपा हुआ है, ठीक है? तो चलते हैं उसे ढूंढते। आप इस ट्रैश में देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रैश मिलेगा ज़्यादा इस जगह में, तो आपको हर ट्रैश में ऐसे चेक करना है, हर ऐसे जो चीज़ है इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, इसमें चेक करो, आपको मिल जाएगा स्विच। जैसे कि मुझे स्विच मिल गया, पहला स्विच ओपन कर लो, और फर्स्ट स्विच हैज़ बीन ओपनड, और अब सेकेंड स्विच यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्विच भी ओपन हो गया गाइस। सो गाइस, अब मुझे एक ज़रूरी काम करना है इसे लड़ने के लिए, तो वो पहले कर लेते हैं। तो हम नीडो डिनो पे मूनस्टोन यूज़ कर रहे हैं ताकि ये बन जाए नीडो किंग, तो यूज़ हो गया। क्या नीडो डिनो विकसित हो रहा है? डिक चुंग डाक चुंग डिक चिंग डाक चुंग डिक चिंग डाक चुंग डिक चिंग डाक चुंग डिक। सांस अटक गया था, तो बन गया नीडो किंग हमारा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है, बहुत पावरफुल भी हो गया है ऑफ कोर्स। हे बच्चे, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम अपने फालतू पोकेमोन्स के साथ मुझे हराओगी? मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर है, मैं तुम्हारे सारे पोकेमोन्स को
पैरालाइज करूंगा। क्या तुम देखना चाहोगे? चलो दिखाता हूँ तुझे। सो गाइज, उसके पास 3 पोकेमोन्स है, उसके पास 5.5 इलेक्ट्रिक पोकेमोन्स है, तो मेरे पास एडवांटेज भी रह सकता है, बट डिसएडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट पैरालाइज हो जाएगा मेरा पोकेमोन। तो मेटल क्लॉ कुछ नहीं हुआ उसको, वोल्ट्रॉप को। तो कोशिश करते रहते गाइज, उसने शॉक वेव दिया हमें और आई थिंक पैरालाइज हो जाऊंगा। नहीं हुआ, ओके। तो एम्बर शायद काम तमाम इसका, ओके काम तमाम, वोल्ट्रॉप गया और 2 पोकेमोन्स बाकी है। तो नेक्स्ट पोकेमोन्स का रायचू होगा, पिकाचू है, ओके कोई बात नहीं। तो पिकाचू को पिकाचू से लड़वाए क्या? हो सकता है हमारा पिकाचू अच्छा निकले उसके पिकाचू से, तो लड़वाते हैं। देन गो पिकाचू। ओके तो गाइज, उसके पास पिकाचू है और उसका पिकाचू कितने लेवल का है? 18 लेवल का है। चलो थंडरबोल्ट काम करेगा शायद, ख़त्म ये यहाँ पे। ओके काफ़ी अच्छा डैमेज मिला उसे, लाल हो गया उसका एचपी, रेड में चला गया। इसने थंडर वेव कर दिया, मेरा पिकाचू पैरालाइज हो गया और लगता नहीं कि अब ये ज़्यादा अटैक क्या सुप। अरे यार सुपर पोशन यूज़ कर लिया उसने यार, दैट ये गलत किया उसने। मेरा पिकाचू तो पैरालाइज हो गया, मुझे भी पैरालाइज करना चाहिए उसे, बट कैसे करूँ यार, मैं मूव नहीं कर पा रहा ना, पैरालाइज्ड है। तो कोशिश करते रहते गाइज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पोकेमोन एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहा। मैं पोकेमोन एक्सचेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई भी पोकेमोन भेजूँ पैरालाइज तो हो ही जाएगा वो, इससे अच्छा कि इससे अच्छा से डैमेज दे दूँ, बाद में अगर ये फेंट हो जाता है तो दूसरा पोकेमोन भेजूँगा मैं। मुझे पिकाचू से उम्मीद है मुझे कि ये कुछ करेगा, लेकिन पीछे जो बैटल म्यूज़िक सुन रहा है वो सुनो, मस्त नहीं है? बहुत मस्त है। अब मैं हराऊं कैसे उसको? थंडर शॉक भी काम नहीं कर रहा, मेरा हर अटैक मिस हो जा रहा है, ये भी अटैक मिस ही होगा। मेरे पास कुछ सामान भी नहीं है अच्छा, क्या करूं? तो मैंने बुला लिया पिकाचू को, प्राइमेप को भेजा मैंने। तो प्राइमेप सबसे पहले तुम कराटे चॉप देना अगर तुम दे पाओगे उसे, क्योंकि हर अटैक फेल हो जा रहा है मेरे पोकेमोन का, क्योंकि वो डबल टीम कर रहा है ऑफकोर्स, तो फेल हो रहा है मेरा हर अटैक। ये भी अटैक मिस हो गया, तो क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर से यार डबल टीम कर दिया इसने, क्या करूँ यार। सेस्मिक टॉस काम नहीं किया। धत यार पैरालाइज हो गया मेरा प्राइमेप, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। तो शॉक वेव कर रहा है पिकाचू और झटका पड़ा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरा हर सेस्मिक टॉस, हर कराटे चॉप, सब अटैक मेरा फेल हो रहा है। बहुत बहुत यार गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं हार ना जाऊँ ये मैच। सो फाइनली सेस्मिक टॉस काम कर गया, अब ऐसे ही हर अटैक काम कर जाए तो मज़ा आ जाएगा इस। तो गाइज मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ गेम में, और आप लोग बस गेम को देखो और सोचते रहो क्या होगा। मेरा प्राइमेप गया, क्या करे अब, पिकाचू को नहीं भेज सकता, नीडोकिंग को नहीं भेज सकता, पिजियोट बिड्रिल भी नहीं सकेंगे शायद। चार्मेलियन सही रहेगा, तो गो चार्मेलियन।
सो गाइज, हमने फाइनली लॉर्ड सर्च को हरा दिया। बहुत ज़्यादा पावरफुल था ये, इसे हराना मुश्किल था, बट मैंने हरा दिया और हमें मिल गया थंडर बैज। सो गाइज, हमें हमारा तीसरा बैज मिल गया और ये हमें TM-34 दे रहा है। तो TM-34 में शॉक वेव है और शॉक वेव हम सिखा सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक पोकेमोन को। तो चलते हैं फिर, यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज, बहुत ऑसम मैच था ये, कसम से बहुत ज़्यादा ऑसम मैच था, बट जीत गए हम, आराम से जीत गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता तो मैक्सिमम लोग ये सोच के बोर हो जाते कि बंदा कर क्या रहा है क्योंकि मैं इतना नूबरा जैसा खेला हूँ ना इस गेम को, इस मैच को बहुत नूब बन के खेला हूँ सच में। सो गाइज, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइज। और अगले एपिसोड में हम लोग रॉक टनल पार करने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर, बाय गाइज। और देखते रहिए अल्टीमेट एक्सप्लोरर्स भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, मिलते हैं, बाय। अब थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह करने का वक्त आ गया है गाइज, तो फिर मिलते हैं, बाय गाइज, बाय।